नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई के कुछ पेपरों के एग्जाम अभी तक नहीं हो पाए थे। हालांकि इसे लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई डेट की घोषणा कर दी थी। अब उन्होंने एक बड़ी बात यह कही है कि जो भी स्टूडेंट माइग्रेट होकर दूसरे शहरों को चले गए हैं, वो भी सीबीएसई के बचे हुए पेपरों की परीक्षा दे सकते हैं, वो भी अपने शहरों में रहकर। छात्रावासों में छात्र रह रहे थे, वो उन्होंने अपने छात्रावासों को खाली करके सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं, अपने प्रदेशों में चले गए हैं। उदाहरण के लिए नैनीताल से पीछे के दिनों में केरल लोग गए, इधर से तमिलनाडु गए, तो तमिलनाडु से पंजाब आए, तो एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर की दूरी करके और बच्चे अपने अपने घरों में पहुँचे हैं। अब दूसरी बड़ी समस्या जो सामने आई है कि वो फिर उनको जाना पड़ेगा अपने स्कूल में, भले ही स्कूल में आपका अपना केंद्र हो गया, लेकिन आप तो अपने घर पर हैं। और अभी चाहे वो केबी का हो, चाहे वो नवोदय स्कूल के भी लगभग 3000 छात्रों को बहुत सुरक्षित इस बीच हम घर तक पहुंचा पाए थे। तो ये सब की समस्या को देखते हुए अभी सीबीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहाँ पर है, उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुविधा के अनुसार उसी जनपद में आपको परीक्षा देने की अनुमति होगी। जून के प्रथम सप्ताह में आपको अपने स्कूलों से लगातार संबंध करना पड़ेगा ताकि जून के प्रथम सप्ताह में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके जनपद के कौन से स्थान पर आपको परीक्षा देनी है।